अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू CTL चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि डेल लैटिट्यूड जो 11th जेन है उसकी विंडो इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसमें जो विंडो इंस्टॉलेशन के दौरान एरर्स आ रहे हैं या लोगों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसका सोल्यूशन क्या है या हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे हमने कल बताया आपको कि न्यू जितनी भी जेंस आ रही हैं उसमें ज़्यादातर UEFI ही बूट कर रहे हैं, बूटेबल USB यूज़ कर रहे हैं। अब हम इसको बूटेबल USB जो कि UEFI है उसको लगाएंगे और पावर ऑन करेंगे लैपटॉप को, लैपटॉप की पावर ऑन करेंगे। अब हमने इसको F12 के ज़रिए बूट करना है, डेल लैटिट्यूड के ज़्यादातर F12 के ज़रिए ही बूट करते हैं। और अब आप यहाँ पे आप देखें इसमें जो इसकी हार्ड ड्राइव टाइप है जो वो UEFI है, ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी UEFI ही है। तो आपने एक ख़ास ख्याल रखना है कि UEFI हार्ड ड्राइव में UEFI ही बूट करनी है, फ्लैश आप उसी टाइप की बनाएंगे जो कि हार्ड ड्राइव की टाइप है। सबसे मेन बात ये आपने नोटिस रखनी है वरना आपका डाटा आपको डेल करना पड़ सकता है और आपका डाटा सारा वेस्ट हो सकता है। लेट्स, हमने इसको बूट करवा दिया है। अब यहाँ पे विंडो का फर्स्ट स्टेप आ चुका है जिसमें हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। इंस्टॉल विंडो यूनाइटेड स्टेट, नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ, सेटअप इज स्टार्टिंग। इसके बाद अब यहाँ पे विंडोज़ की टाइप्स आ जाएंगी क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइप्स की पड़ी हुई है, तो आप इसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंटरप्राइज में कर रहा हूँ, ठीक है, और इंटरप्राइज को ओके करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये इस यहाँ पे एक्सेप्ट करके कस्टमाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे हार्ड ड्राइव ही नहीं शो हो रही, यहाँ पे मेन मसला आ रहा है। इस इशू को फिर आप देखते हैं, इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। हार्ड ड्राइव जो शो ही नहीं हो रही यहाँ पे, जैसे यहाँ USB को बूट करते हैं। तो लेट्स, हम इसके लिए हमें सबसे पहले BIOS में जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे F2 के ज़रिए BIOS में आते हैं डेल में। और यहाँ पर हम सबसे फर्स्ट थर्ड नंबर स्टोरेज ऑप्शन पे जाना है। स्टोरेज ऑप्शन पे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SATA जो टाइप है वो रेड ऑन पे क्लिक हुआ हुआ है। इसी तरह आपने इसकी टाइप चेंज करनी है। टाइप चेंज करने के बाद AICI टाइप पे जो मिडल में है इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसकी चेंजिंग को सेव करना है और चेंजिंग सेव करने के बाद इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अप्लाई करने के बाद हम इसको दोबारा बूट करवाते हैं। अप्लाई ओके यस, इसको अब दोबारा ऑफ करते हैं। कंट्रोल ऑल्ट डेल करने के बाद इसको ऑन करके बूट करवाते हैं जिस तरह भी आप चाहें। यह हम लैपटॉप को अगेन बूट करवाते हैं, एफ12 प्रेस करते हैं और इसको बूट करते हैं USB के ज़रिए। अब यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि टाइप, मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस कर रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि UEFI टाइप पे UEFI ही आपने बूटेबल USB यूज़ करनी है, उसको टाइप सेम होनी चाहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इसको विंडो को नेक्स्ट करते हैं। सिंपल सा वही जो आपको नॉर्मली पता होगा, इंस्टॉल नाउ स्टार्टिंग, सेटअप स्टार्टिंग। नाउ हम इसको विंडो टाइप सेट करेंगे। मैं ज़्यादा विंडो 10 इंटरप्राइज ही करता हूँ इसलिए मैं इसको वही टाइप सेलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट, एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, यस, नेक्स्ट और कस्टम इंस्टॉल विंडो ओनली। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारी हार्ड ड्राइव पार्टीशन शो हो चुकी है। लेट्स, हमारा जो सोल्यूशन है वो कम्प्लीट है। आप देख सकते हैं
इस पे आप कोई भी पार्टीशन जो है उसको सेलेक्ट करके उसको फॉर्मेट करेंगे। उसको फॉर्मेट करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे और नॉर्मल आपकी विंडो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक करें और अपने कमेंट्स लाजमी शेयर की। ऑल्सो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स।